इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने शेख सुल्तान है। टॉयलेट के अंदर न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं और कुछ खाते पीते भी रहते हैं, मुंह में कुछ चलता भी रहता है, स्मोकिंग वगैरह भी करते रहते हैं। तो ये चीज़ है, ये ठीक है, करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। दीनी मसाइल के ऊपर भी गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए, इससे भी बंदे की अक्ल कमज़ोर होती है, हाफ़ज़ा घटता है। और वहाँ पर इस मसले में कोई गौर व फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो ज़ाहिर है फिर इस तरीके की कोई चीज़ पढ़ना भी नहीं चाहिए दीनी, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो या फिर हार्ड कॉपी के थ्रू, नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अखबार वगैरह भी वहाँ पर नहीं पढ़ने चाहिए। बैतुल खला के अंदर खामोशी के साथ बैठना चाहिए, खाना पीना भी मना है, और जबड़े को यानी मुंह को दबा कर बैठना चाहिए। तो इसीलिए ये सब गैर अखलाकी बातें, कि इनसे बचना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको मोहब्बत के साथ आप समझा दें कि वहाँ पर जो है सर को झुका कर शर्म हया के साथ बैठना चाहिए, ना तो नजासत पर नज़र करे, ना फिर अपने सित्र पर नज़र करे, और ना ही वहाँ दीनी किसी चीज़ में गौर व फिक्र करे, ख़ास तौर से टॉयलेट वगैरह के अंदर बैठकर। और इसी तरीके से ना अखबार वगैरह पढ़े, ना कुछ खाए पिए। खाना पीना भी ऐसी जगह पर जो है वो बिल्कुल मना है, कि वो खाने पीने की जगह नहीं है। तो बाज़ लोग मोबाइल तक पे भी बातें करते हैं, ऐसा लिखा है कि फ़ोन के ऊपर भी लोग बातें करते हैं। तो जाहिर है कि जब बंदे का सित्र खुला हुआ होगा, नामा अमाल लिखने वाले फरिश्तों ने नामा अमाल नहीं लिखा होगा, उस वक्त बंदा बोलेगा तो फिर वो जाहिर है कि लिखना शुरू करेंगे। तो उस कैफियत में अगर कोई आपको देखे कि जब आपके जिस्म पे कपड़े ना हो, तो बहुत बुरा लगेगा। आप तसव्वुर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो फरिश्ते हम बोलते हैं और वो फौरन लिखते हैं, तो उनकी तो ड्यूटी यही है कि उनको लिखना ही है। तो ऐसी जगह पर आप ना बोलें कि जहाँ पर आपके सित्र की बदनिगाही का ज़रिया बने। और दूसरा ये कि अखबार वगैरह चाहे कैसे भी किस्म के हों, हिंदी इंग्लिश से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खाने पीने के मामले भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जैसे सिगरेट बीड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, कॉलेजों में आपने बताया कि ऐसे टॉयलेट होते हैं कि जहाँ पर खड़े होकर टॉयलेट करना पड़ता है, वहाँ मजबूरी होती है, तो क्या करें? किसी भी कॉलेज के अंदर खड़े होकर करने वाला जो यूरिन शीट होती है, तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खड़े होकर करने वाला ही टॉयलेट हो। वहाँ पर बैतुल खला का पूरा इंतज़ाम होता है। अब जाहिर है कि किसी को अगर दो नंबर आएगी तो वो कहाँ जाएगा, तो वहाँ उसका इंतज़ाम भी होता है, तो टॉयलेट के लिए भी वहाँ जाया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं वहाँ पर खड़े होकर करें। मगर ये कि खड़े होकर किसी ने करा और किसी दूसरी चीज़ यानी ईंट या पत्थर से इस्तिंजा वगैरह कर लिया और दूसरी कोई चीज़ माने शरा नहीं पाई गई, तो शख्स पाक ही तसव्वुर किया जाएगा, उसकी नमाज़ वगैरह भी हो जाएगी खड़े होकर टॉयलेट कर लेने से। गुसल फ़र्ज नहीं होता। इसके ऊपर तफसील से मैं काफ़ी वीडियो पहले बना चुका हूँ। पत्थर में असर